हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल एप फॉरएवर पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चंडीगढ़ में घूमने के बेस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो पंजाब के साथ साथ हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ एक बहुत ही सुंदर शहर है जो दिखने में एकदम सपने के जैसा लगता है। ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से साल भर चंडीगढ़ का मौसम अनुकूल रहता है। अगर आप भी चंडीगढ़ की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसमें हम आपको चंडीगढ़ में घूमने के बेस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन बेस्ट प्लेसेस के बारे में। दोस्तों, नंबर 8 पर हमारी लिस्ट में आता है सुखना लेक। सुखना लेक शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित है जो एक सुंदर चित्र पेश करती है। सुखना झील एक मानव निर्मित झील है जिसको वर्ष 1958 में बनाया गया था। अपने नीले पानी के साथ सुबह जोगर्स और वॉकर्स के लिए एक आदर्श जगह है। दोस्तों, इस झील की सैर करके आप यहां ताजी हवा का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में आता है रोज गार्डन। रोज गार्डन चंडीगढ़ का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल है जो सेक्टर 16 में स्थित है। इस गार्डन में फूलों की लगभग 825 किस्म और साथ ही 32,500 किस्म के पेड़ और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ के रोज गार्डन को जाकिर हुसैन रोड गार्डन के रूप में भी जाना जाता है जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। द रोज गार्डन की सबसे खास बात यह है कि यह एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा उद्यान है, जिसका निर्माण वर्ष 1967 में प्रथम मुख्य आयुक्त MS रंधावा के मार्गदर्शन में किया गया था। दोस्तों, नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में आता है पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन को याद वृंदा गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, जिसको मुगल सम्राट औरंगजेब के तहत एक नवाब द्वारा बनाया गया था। इस गार्डन का विस्तार और पूर्ण निर्माण पटियाला राज्य के महाराजा यादविंद्र द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपको बता दे कि इस गार्डन में कई महलनुमा संरचनाएं हैं जो राजधानी और मुगल वास्तुकला विशिष्ट शैली को प्रदर्शित करती है। अगर आप चंडीगढ़ की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो पिंजौरा गार्डन को देखना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आता है इंटरनेशनल टोल्स म्यूजियम। अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय चंडीगढ़ का प्रमुख आकर्षण है जो 25 से अधिक विभिन्न देशों की गुड़िया और कठपुतलियों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस संग्रहालय को 1985 में स्थापित किया गया था और इसका प्रबंध भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा किया जाता है। टोल म्यूजियम का मुख्य आकर्षण भारतीय खंड और टोयो ट्रेन है। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारे लिस्ट में आता है टेरेस गार्डन। दोस्तों, टेरेस गार्डन चंडीगढ़ का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जो शहर के सेक्टर 33 में स्थित है। यह एक ऐसा गार्डन है जो विभिन्न रंगीन और जीवंत फूलों के होने का दावा करता है। जो भी पर्यटक टेरेस गार्डन की सैर करते हैं वो अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ शानदार अनुभव भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर हमारी लिस्ट में आता है मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का घर, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की सीट है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसे पूरा होने में 3 साल का समय लग गया था। यह स्टेडियम कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों का स्थान रहा है और क्रिकेट प्रेमियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन भी रहा है। दोस्तों, नंबर 2 पर हमारी लिस्ट में आता है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है जो कि एक विशाल ओपन एयर प्रदर्शनी हॉल है, जहां पर आप शहरी और औद्योगिक कचरे से बनी मूर्तियों को देख सकते हैं। रॉक गार्डन का निर्माण वर्ष 1957 में अधिकारी नेक चंद ने किया था, जो करीब विशाल 40 एकड़ में बना हुआ है। यह पार्क शहर में कल्पना और नवीनता का एक प्रतीक बन गया है। अपनी सीमाओं में 5,000 मूर्तियां होने के कारण चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बेस्ट फॉर्म वेस्ट का एक अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में आता है फन सिटी। फन सिटी रामगढ़ का जन मनोरंजन पार्क है जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा है। दोस्तों, इस पार्क में गतिविधि पुल, 3 लैंडिंग पुल और 1 लहर पुल के साथ साथ कई तरह के पानी के स्लाइड्स भी मौजूद हैं, जो वाटर लवर्स के लिए काफी यादगार साबित हो सकते हैं। यहाँ के अन्य आकर्षणों में आलसी नदी की सवारी, रेड ड्रैगन स्लाइड, रफ स्लाइड, स्प्लैश पुल
व्हाइट मल्टीलैन, टाइफून टनल, व्हाइट स्लाइड और पेंडुलम स्लाइड के नाम भी शामिल है। तो दोस्तों ये थे हमारे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन चंडीगढ़। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।